मानो या ना मानो बट 666 सीड एक ऐसी सीड है जिसको खेलने से प्लेयर्स कुछ ज्यादा ही डरते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये कोई मामूली सीड नहीं है। अगर आप गूगल पर भी 666 सीड माइनक्राफ्ट सर्च करते हो तो साफ साफ लिखा आता है ये सीड डेविल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बिना देरी करे मैं 666 सीड का एक वर्ल्ड जनरेट कर देता हूँ, और स्टार्टिंग में मैं एक जंगल के बीच में स्पॉन हुआ हूँ एंड फिलहाल के लिए आसपास मेरे को सब कुछ नॉर्मल लग रहा है सिवाय एक चीज के। इस वाली सीड के अंदर मैंने काफी सारे ब्लॉक्स देखे जो खुद पर खुद हवा में उड़ रहे हैं। वेल, ये चीज होना माइनक्राफ्ट में कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं इसको इग्नोर कर थोड़ा सा आगे चले जाता हूँ, और इसी के बाद से मेरे को एविडेंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं कि 666 सीड में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जैसे कि ये देखो भाई, जमीन के अंदर नेचुरली जनरेटेड एक प्लस का साइन है। आप सोच रहे होगे भाई ऐसे साइंस नेचुरली जनरेट हो जाते हैं माइनक्राफ्ट में, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा आगे देखोगे आपको एक और प्लस का साइन मिलेगा, और कहानी यही खत्म नहीं होती है। आपको आगे इतने सारे प्लस के साइन दिखेंगे कि आपको अपनी आंखों पे बिलीव भी नहीं होगा, और ये साइंस डायरेक्ट एक विलेज से कनेक्टेड है। इसका मतलब भाई विलेज में भी हमको कुछ ना कुछ सबूत मिल सकता है। तो बिना देरी करे मैं जाता हूँ पहले घर में, और वहाँ पर मेरे को कुछ ऐसा दिखता है भाई, बेड को पूरे रेडस्टोन से कवर कर रखा है, और तो और जो इस विलेज के घर की चेस्ट है वो बिल्कुल खाली पड़ी है भाई, एक सिंगल ब्रेड भी नहीं रखी इसके अंदर। और बाकी जितने घर में मैं गया हर एक बेड को रेडस्टोन से कनेक्ट कर रखा है, और जिस टाइम मैं घर के अंदर था मेरे को बाहर से बड़ी तेज बेल बजने की आवाज आती है बार बार, तो मैं हड़बड़ाहट में बाहर जाता हूँ। बट बाहर निकलने के बाद पता लगता है कि भाई बेल के आसपास कोई भी नहीं है जो इस बेल को बजा सके, तो बचता है बस अब एक ही ऑप्शन, अपना रिप्ले मोड चेक करना। ये देखो यहाँ पर मैं विलेज के अंदर घूम रहा हूँ, एंड एक सेकंड अगर मैं पॉज करता हूँ और गोलम के पैर के पास फोकस करता हूँ तो ये देखो अबे इसके पैर के यहाँ पर खून का निशान कैसे लग गया, ये चीज मैंने पहले नोटिस नहीं करी है। ओके, तो अभी प्ले करते हैं, एंड इस टाइम पे मैं घर के अंदर हूँ एंड बेल के पास चलते हैं जरा, एंड ये खुद ही बच गई, यहाँ तो है ही नहीं कोई आसपास, ये कौन सा ग्लिच है भाई। और देखो बेल सुन के मैं यहाँ पर अभी अभी बाहर निकला हूँ, मैं तभी बोलूँ भाई कोई तो दिखाई नहीं मेरे को आसपास। और जब मैंने रिप्ले मोड थोड़ा सा रिवाइंड करा ना, तब मेरे को मिला एक सबसे बड़ा एविडेंस। जिस टाइम मैं वर्ल्ड में स्पॉन होता हूँ पीछे एक केव दिख रही होगी आपको, और अगर आप ध्यान से जूम करके देखोगे तो जरा ये देखो यहाँ पर कोई एंटिटी खड़ा है, मतलब भाई इस वर्ल्ड के अंदर मैं अकेला नहीं था। तो चलो अब आप मेरे को बताओ कि 666 सीड सच में कोई कर्ज सीड है या इसमें कुछ ग्लिच चल रहे हैं।